छतरपुर के डीग कस्बे के जाटोली थून गांव में कर्ज से तंग आकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक भगवान सिंह 3-4 दिन से परेशान था। 7 साल पहले उसने बेटी की शादी की थी, तब भगवान सिंह पर बैंक और व्यापारियों का कर्ज को लेकर दबाव था। बैंक लोन के चलते किसान अपने खेत भी नहीं बेच पा रहा था। ऐसे में कर्ज से तंग आकर उसने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब भगवान सिंह का शव फांसी के फंदे से लटका देखा तो कोहराम मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई भगवान सिंह सन और गोरी सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। जी मौके पर पहुंचे हैं, मौके का निरीक्षण किया है, बॉडी को हॉस्पिटल लेकर गए, पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। मृत्यु के कारणों के बारे में जांच इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरतपुर से हमारे एवं संवाददाता मुकेश हमसे जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है अभी तक के मामले की? किसान ने आत्महत्या यहाँ पर कर्ज के कारण कर ली, क्या कुछ है पूरा मामला? हाँ मैडम, ये जाटोल का मामला है जी। यहाँ में किसान ने 5-6 साल पहले लड़की की शादी की थी, तो 5-6 लाख का कर्ज होया उसे। जी हेलो जी। हाँ तो वो कर्ज हो गया, तो कर्ज के संग आकर आज उसने सामने जी अपने फांसी का फंदा लगाकर जीवन भिक्षा समाप्त कर ली। मुकेश, क्या वहाँ पे प्रशासन का क्या कुछ रवैया है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी तरफ से कोई जवाब आया है? हेलो मुकेश, प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया है इस हत्या को लेकर, आत्महत्या को लेकर? प्रशासन के मौके पर SDM भी पहुंच चुके थे वहां में। जी मृतक के परिजनों ने मांग की थी कि मुआवजा मिल जाए, जो लोन ले रखे जी अपने खेतों पे जो लोन ले रखा है वो लोन माफ किया जाए और जी कुछ मुआवजा मिले, ताकि उनके घर परिवार का पालन पोषण हो सके। जी तो SDM का क्या कुछ जवाब था मुकेश? SDM साहब ने किया ठीक है, आपके इस मांग को हम कलेक्टर साहब को अवगत करा देंगे, ये कहा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एवं संवाददाता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यहां मौके पर SDM पहुंचे, जिनसे परिवार ने मुआवजे की मांग की है ताकि कर्ज निपटाया जा सके और कुछ न कुछ अपने जीवन यापन किया जा सके, लेकिन SDM ने सिर्फ आश्वासन दिया कि बात आगे पहुंचा दी जाएगी।